हाँ जी, नेक्स्ट हम देखो सम नंबर थर्ड है, प्रूव डैट फॉलोइंग आर इरेशनल। सो इस क्वेश्चन के तीन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की 1/√2, सेकेंड पार्ट की है 7 × √5 एंड थर्ड पार्ट की है 6 + √2। ओके, सो हम अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लगे। देखो फर्स्ट पार्ट की मैं 1/√2 में इरेशनल प्रूफ करना है। ओके, इस सो ये सवाल जो अपना सम नंबर सैकेंड, इसमें दोनों तरीक़े सॉल्व किए हैं। सो ये सवाल भी आप कोशिश करा कि दोनों तरीक़े कर सकी। सो फस्ट आप इस बार सॉल्व करते हैं फस्ट तरीके। ओके, फस्ट मैथड ना, फस्ट मैथड कह लो या फस्ट वे कह लो। ओके, सो देखो आप लैट 1/√2 इज रैशनल। ओके, सो 1/2 आप रैशनल लैट करा। सो 1/√2 पुट करा इजिकल टू a/b या पी बाय क्यू, मान लो जो तुम सही लगे। ठीक है, सो हम आप √2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। √2 इज इक्वल टू b/a। ओके, सो जेकर सू सवाल 2 मार्क्स आता है तो तुम इस सवाल भी इन्ना ही करोगे, या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स ये सवाल आता है, दैन वो आप देखो वी नो डैट √2 इज इरैशनल नंबर। सो जेकर यह सम आप 3 या 4 मार्क्स आता है, दैन वो आप वाला स्टैप की पूरा सॉल्व करना पैना, जो कि आप एज थ्योरम 1.4 किया। ओके, फिर प्रोपर आप सॉल्व करनी पैनी है जेकर आपको यह सम आप 4 मार्क्स आता है। सो यदी वीडियो तुम्हें नीचे लिंक मिल जाएगी, तो तुम देख लेना। सो देखो वी नो डैट √2 इज इरैशनल नंबर। सो फस्ट कंडीशन गौर ना देखो, सो इट मीन की है कि जो अपनी लैफ्ट हैंड साइड वो की है रैशनल इरैशनल है, लैफ्ट हैंड साइड इज इरैशनल। ओके, एंड राइट हैंड साइड अपनी की है इज रैशनल। ओके, इट मीन फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। कि मीन उही गल फिर कि इरैशनल नंबर अपना की है रैशनल इक्वल नहीं आ सकता। ओके, इट मीन जो अपना लैट किया की है रोंग है, देन आवर सपोजिशन इज रोंग। तो 1/√2 इज इरैशनल नंबर। ओके, सो ये अपना फस्ट पार्ट, इन सॉल्व किया फस्ट वे ना, हम ट्राई करा अपना इसमें सैकेंड वे सॉल्व करने की। सैकेंड वे देखो, सैकेंड वे अकॉर्डिंग अपन गिवन की है 1/√2। सो ये भी अपन की है ये वाला रिजल्ट यूज करना पैना। ओके, सो यही रिजल्ट फिर लिखते हैं, वी नो 1/√2 इज इरैशनल नंबर। ओके, वी नो 1/√2 इज इरैशनल नंबर। सो देखो 1/√2 अपने सॉरी इतने वी नो √2। ओके, वी नो √2 इज इरैशनल नंबर। सो देखो तो 1 अपना की है रैशनल है, तो √2 की है इरैशनल है। सो जेकर आप एनी रैशनल नंबर, एक रिजल्ट है जो लिखोगे आप एनी रैशनल नंबर डिवाइड विद इरैशनल नंबर, इट बिकम इज इरैशनल। ओके, तो देयरफॉर 1/√2 इज इरैशनल नंबर। ओके, सो ये सी अपन इस सवाल करन दा सैकेंड वे। हाँ जी, हम आप सैकेंड पार्ट सॉल्व कर लगे। देखो 7√5, तो इसमें प्रूफ करना पा इज इरैशनल प्रूफ करना है। ओके, सो इस सवाल आप दोनों तरीक़े सॉल्व करेंगे। सो फस्ट वे सॉल्व करते हैं। देखो फस्ट वे, सो देखो लैट 7√5 इज रैशनल। ओके, सो आप लैट करेंगे 7 × √5 नो रैशनल नंबर। ओके, सो जो रैशनल नंबर है तो इन आप लिखना 7√5 इजिकल टू a/b। एंड आप हरेक सवाल एक स्टैप छड़ चुके हैं, मिस किया कि ए एंड बी दोनों की को प्राइम होनी चाहिए, मतलब इट मीन इन्हों दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। सो आप कई सवालों नहीं लिखा, जो 2 सवाल पहला किए सॉरी उन्होंने नहीं लिखा, तो उन्होंने लिख लो ab इजिकल टू 1 एंड ए भी pq एंड q ≠ 0।
ठीक है, बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल जीरो। ओके सो देखो 7√5 हम इस पूरी इक्वेशन विचों रूट फाइव की आप वैल्यू फाइंड करा, रूट फाइव इज इक्वल टू 7a/7b। ठीक है सो हम ये सेम उही सवाल वी उ रिजल्ट वी नो दैट रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। ओके सो जेकर ये सवाल एक नंबर आता है चाहे दो नंबर आता है तो आप रिजल्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जो सवाल अपन तीन या चार मार्क्स आता है तो दैन अपन रूट फाइव की है सॉल्व करना पैना। सो रूट टू रूट थ्री तो रूट फाइव सो इन तिना सामने जो वीडियो है जो वीडियो बनाई हुई आप नीचे लिंक नीचे वीडियो का लिंक दे देंगे आप सो देख लो जी। सो देखो रूट फाइव अपना की है इरेशनल दैन ये कंडीशन फस्ट है। सो देखो फ्रॉम फस्ट कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल एंड राइट हैंड साइड इज रैशनल। ओके सो देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल एंड राइट हैंड साइड अपनी की है रैशनल। सो देखो ए वाली अपनी की है इरेशनल है, ए वाली की है रैशनल। सो ये अकॉर्डिंग की है इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल विच इज नॉट पॉसीबल। ओके क्योंकि इरेशनल नंबर कदे भी रैशनल इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है तो देन आवर सपोजिशन इज रोंग सो देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल। ओके सो ये सेकेंड पार्ट जिन्होंने फर्स्ट वे ना सॉल्व किया हूँ इन पर सॉल्व करते हैं सेकेंड वे नाल। सेकेंड वे तो स्टेटमेंट की है 7√5 इज इरेशनल। सो ये प्रूफ करना है सो उवें आप करा। सो सैकेंड वे की आप सॉल्व करा लैट 7√5 इज रैशनल नंबर। ठीक है सो ये आप रिजल्ट फिर लिखा जो पहला यूज किया वी नो रूट फाइव इज इरेशनल नंबर एंड 7 इज रैशनल नंबर। ओके दैन इट मीन देखो कि फिर अपना डेफिनेशन यूज करा एनी रैशनल नंबर मल्टीप्लाई विद इरेशनल नंबर इट बिकम इज इरेशनल नंबर। सो देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल नंबर। सो ये अपना क्वेश्चन थर्ड का सैकेंड पार्ट। सो इन पहला किया फस्ट भी ना सॉल्व सो उस तो बाद कि सैकेंड भी ना सॉल्व। हाँ जी सो थर्ड पार्ट देखो 6+√2 आप इरेशनल प्रूफ करना। ओके सो उस तरह ही लैट करो 6+√2 इज रैशनल नंबर। सो 6+√2 पुट करा आप इज इक्वल टू ए बाय बी एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो सो कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। ओके सो हम इस स्टेप विचों आप √2 की वैल्यू फाइंड करा। सो √2 इज इक्वल टू ए बाय बी -6। सो फिर आप रिजल्ट यूज करा कि वी नो √2 इज इरेशनल नंबर एंड ए बाय बी -6 इज रैशनल नंबर। ओके सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल एंड राइट हैंड साइड इज रैशनल। ओके सो देन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके सो मीन इरेशनल नंबर अपनी की है रैशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता। सो अपनी सपोजिशन की है रोंग आवर
supposition is wrong. So therefore 6 plus root 2 is irrational number. Okay, so इस प्रॉब्लम पर सेकंड वे ना ही सॉल्व कर लेने हैं. तो स्टेटमेंट की है 6 प्लस रूट 2 है, सो इनू अपन लेट करांगे उसी तरह ही 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल नंबर. ओके सो फिर वही लाइन फिर लिखेंगे अपन, वी नो डैट ये पहला यूज दी थी. ओके सो तुम अपने आप लिख लेना है, वी नो डैट रूट 2 इज इरेशनल एंड ए बाई बी सो इज इरेशनल एंड 6 इज रैशनल. ओके सो देखो 6 अपना की है रूट 2 विच ऐड हो रहा है, इट मीन रैशनल नंबर ऐड हो रहा है इरेशनल विच. ओके सो रैशनल नंबर एनी रैशनल नंबर ऐड विद इरेशनल नंबर इट बिकम इरेशनल नंबर. ओके सो देन देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर. ओके सो ए सी अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड. सो ए सी अपनी एक्सरसाइज 1.3 की है कंप्लीट हो चुकी है.